हेलो फ्रेंड्स आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इट्यूट मैथ क्लास टेंथ थारस अग्रवाल मैथ्स में एक्सरसाइज इलेवन का क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे सामने फोर अपॉन कॉट स्क्वायर थर्टी डिग्री माइ प्लस वन अपॉन साइंस स्क्वायर थर्टी डिग्री माइनस टू कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव डिग्री माइनस साइन स्क्वायर जीरो डिग्री सबसे पहले हम यहाँ वैल्यूज को पुट करेंगे कॉस कॉट थर्टी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट थ्री इसका हम करेंगे स्क्वायर प्लस वन अपॉन साइन थर्टी डिग्री की जो वैल्यू होती है वो, वो होती है वन बाई टू इसका भी हम करेंगे स्क्वायर माइनस में टू इंटू कॉस फोर्टी फाइव डिग्री की जो वैल्यू होती है वो वन बाई रूट टू होती है इसका भी हम स्क्वायर करेंगे एंड साइन ज़ीरो डिग्री की वैल्यू भी जीरो होती है तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फोर अपॉन में रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर माइनस टू इंटू वन बाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू एंड माइनस में जीरो टू से टू कैंसिल हो जाएगा फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फोर अपॉन में थ्री प्लस इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो फोर बाई वन माइनस में वन फिर हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे एलसीएम होगा थ्री फोर प्लस फोर इंटू थ्री माइनस में थ्री फिर हम इसको सॉल्व करेंगे फोर प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री अपॉन में थ्री फिर फोर और ट्वेल्व को ऐड करेंगे सिक्सटीन माइनस थ्री अपॉन में थ्री इसका सॉल्यूशन करेंगे तो थर्टीन अपॉन थ्री ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर नाइन का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर टेन ये आपके दो पार्ट में है पार्ट वन है आपका शो दैट वन माइनस साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री माइनस वन अपॉन टेन सिक्सटी डिग्री प्लस वन सबसे पहले हम पार्ट वन का ही सॉल्यूशन करते हैं इसमें हम ले लेते हैं एल वाला पार्ट एल में आपका है वन माइनस साइंस सिक्सटी डिग्री अपॉन में डिग्री इसकी वैल्यू को पुट कीजिए वन माइनस साइंसटी डिग्री की वैल्यू होती है अपॉन में डिग्री की वैल्यू होती है 1 2. फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम में आएगा टू तो टू माइनस में अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन में वन बाई टू वन ये टू से टू आपका कैंसिल हो गया जब तो आप इसे टू माइनस में अंडर रूट ऑफ थ्री लिख लीजिए और ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा फिर हम यहाँ पे ले, ले लेते हैं इसका आर एच एस वाला पार्ट आर एच एस है आपका टेन सिक्सटी डिग्री माइनस वन अपॉन में टैन सिक्सटी डिग्री प्लस वन वैल्यू को पुट कीजिए टेन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी वन बाई रूट थ्री एंड माइनस में वन अपॉन में वन बाई रूट थ्री प्लस में वन सॉरी यहाँ पे आप रखिए अंडर रूट ऑफ थ्री और यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ थ्री फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस वन अपॉन में अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस वन और इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे रेसिप्रोकल क्या होता है सॉरी uh, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर ये प्लस में है तो इसका हम माइनस लेंगे और अगर यहाँ माइनस में होता तो हम इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते रूट थ्री प्लस वन का अगर हम कॉन्जुगेट देखेंगे तो आपका रूट थ्री माइनस वन कॉन्जुगेट होगा तो रूट थ्री माइनस वन अपन में ये रूट थ्री प्लस वन है इसका कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपन में रूट थ्री माइनस वन फिर आप ये जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में रूट थ्री प्लस वन और अंडर रूट ऑफ थ्री माइनस वन फ्रेंड्स ये जो है आपका कुछ इस टाइप से सॉल्यूशन होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी फिर आपका जो नीचे वाला पार्ट है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के ब्रैकेट से होगा जो कि इसका सोल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आप ये दोनों वैल्यूज इस इन दोनों आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी अपॉन में इनका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट थ्री का करेंगे यहाँ स्क्वायर एंड माइनस में वन का करेंगे स्क्वायर फिर ये हो जाएगा थ्री और वन हो जाएगा फोर माइनस में अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन में थ्री माइनस में वन फोर इन दोनों में से देख रहे हैं तो टू कॉमन है टू माइनस में अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन थ्री माइनस वन करेंगे तो टू टू से टू कैंसिल हो गया फिर हमारे यहाँ पे आ रहा है टू माइनस अंडर रूट ऑफ थ्री इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हमने क्या गेट किया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस Hence, आपका क्वेश्चन नंबर टेन का क्वेश्चन पार्ट नंबर वन का सॉल्यूशन है तो पार्ट नंबर टू देख लेते हैं पार्ट नंबर टू है कॉस थर्टी डिग्री प्लस साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन वन प्लस साइन सिक्सटी डिग्री प्लस कॉस सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू कॉस थर्टी डिग्री हम इस पार इस वाले पार्ट नंबर टू में भी क्या ले लेंगे एल एच एस ले लेंगे एल एच एस में वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो कॉस थर्टी डिग्री प्लस साइन सिक्सटी डिग्री अपॉन में वन प्लस साइन थर्टी डिग्री प्लस कॉस सिक्सटी डिग्री वैल्यू पुट करते हैं कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू भी होती है रूट थ्री बाई टू अपॉन में वन प्लस साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन बाई टू प्लस कॉस डिग्री की वैल्यू भी होती है फिर हम इसमें ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू और आपका हो जाएगा रूट थ्री प्लस रूट ऑफ थ्री फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू वन बाई टू को हम ऐड कर लेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा वन फिर हम इसे सॉल्व करेंगे रूट थ्री रूट थ्री प्लस वन इसको एलसीएम लेके ही सॉल्व कर लेते हैं ज्यादा बेटर होगा फिर ये हो जाएगा आपका अपॉन में टू फिर ये हो गया आपका टू अंडर उट उट अपॉन में टू अपॉन फिर हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा टू तो टू प्लस वन प्लस वन आपका हो जाएगा टू फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन में टू अपॉन फोर अपॉन में टू फिर हम इसके जो है सीधा सीधा लिख लेंगे टू अपॉन अंडर रूट ऑफ थ्री अपॉन में टू टू अपॉन में फोर टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर इस टू से ये वाला फोर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन फिर हम यहाँ पर ले, ले लेते हैं आर एच एस आर एच एस है हमारा कॉस थर्टी डिग्री कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन वन एंड टू वी गेट हमने ये गेट किया कि एल एच एस की वैल्यू इज इक्वल टू आर एच एस की वैल्यू हैंस प्रूट तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर टेन का सेकेंड नंबर पार्ट है तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग